कभी रात में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है? जब हम रात के आसमान में अनगिनत तारों को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस अनंतता में कितने छोटे हैं। हमारी पृथ्वी, नीले और हरे रंग का गोला जो जीवन से भरा हुआ है, इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा बिंदु है। यह नीला और हरा ग्रह जो हमें जीवन देता है, अंतरिक्ष के असीम विस्तार में तैरता हुआ दिखाई देता है। अनगिनत तारों के बीच छोटी सी लगती है। जब हम इसे दूर से देखते हैं तो यह एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई देती है जो अनगिनत तारों और ग्रहों के बीच में है। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस छोटे से बिंदु को हिला सकते हैं? क्या हम इतनी बड़ी चीज को हिला सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपनी पृथ्वी को, जो इतनी विशाल और भारी है, हिला सकें? यह विचार हमारे मन में कई सवाल पैदा करता है। क्या हम अपनी पृथ्वी को हिला सकते हैं? यह सवाल हमारे मन में गूंजता रहता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या यह संभव है कि हम अपनी पृथ्वी को, जो इतनी विशाल और भारी है, हिला सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिज्ञासा और कल्पना को जगाता है। ये विचार हमारे मन में कई सवाल पैदा करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संभव है? क्या इंसान अपने सारे ज्ञान और तकनीक के साथ पृथ्वी जैसे विशालकाय ग्रह को भी हिला सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी तकनीक और ज्ञान है कि हम इस विशाल ग्रह को हिला सकें? यह विचार हमारे मन में कई सवाल पैदा करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संभव है? ये नामुमकिन सा लगता है, किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा। ये विचार हमारे मन में कई सवाल पैदा करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संभव है? लेकिन कई बार नामुमकिन चीजें ही हमें अद्भुत खोजों तक ले जाती हैं। ये विचार हमारे मन में कई सवाल पैदा करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संभव है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी पृथ्वी को जरा सा भी हिलाने के लिए क्या करना होगा। यह विचार हमारे मन में कई सवाल पैदा करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह संभव है? आइए इस विचार को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या यह संभव है। इस चुनौती को समझने के लिए हमें पहले पृथ्वी के आकार को समझना होगा। ये पत्थर, पानी और जीवन का एक विशालकाय गोला है जिसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। मतलब हवाई जहाज से घंटों घंटों उड़ते रहो तब जाकर एक चक्कर पूरा होगा। लेकिन सिर्फ आकार ही मायने नहीं रखता, पृथ्वी का वजन भी बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका वजन लगभग 6 सेप्टिलियन किलोग्राम है, मतलब 6 के बाद 24 जीरो। सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा नंबर है। अब इतनी बड़ी चीज को हिलाने के बारे में सोचना कैसे शुरू करें? एक महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने हमें गति के अपने नियमों से एक सुराग दिया था। एक नियम कहता है कि हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सोचो, आप दीवार पर धक्का लगा रहे हो, दीवार भी उतनी ही जोर से आपको वापस धक्का लगाएगी। यही सिद्धांत पृथ्वी पर भी लागू होता है। इसे हिलाने के लिए हमें इसके खिलाफ एक बल लगाना होगा जो पृथ्वी के अपने विशाल वजन और जड़त्व से भी ज्यादा हो। हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। रॉकेट विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि है जिसने हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का अवसर दिया है। जब हम रॉकेट को अंतरिक्ष में जाते हुए देखते हैं तो यह एक अद्वितीय अनुभव होता है जो हमें गर्व और आश्चर्य से भर देता है। ये शक्तिशाली मशीनें ईंधन जलाकर काम करती हैं, जिससे गर्म गैस नीचे की ओर निकलती है। ये प्रक्रिया अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक होती है, जिसमें रॉकेट के इंजन में ईंधन का दहन होता है और यह गर्म गैसें अत्यधिक वेग से बाहर निकलती है। यह गर्म गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलने के लिए आवश्यक बल उत्पन्न करती हैं। ये नीचे की ओर बल एक बराबर और विपरीत बल बनाता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। न्यूटन का नियम काम कर रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार जब रॉकेट की गर्म गैसें नीचे की ओर निकलती हैं तो रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलने वाला बल उत्पन्न होता है। यह बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल सकता है। क्या हम पृथ्वी को हिलाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम एक अत्यंत शक्तिशाली रॉकेट बना भी लें तो क्या वह पृथ्वी को हिला सकता है? ये विचार विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान समझना महत्वपूर्ण है। अगर हम सोच से भी ज्यादा पावरफुल रॉकेट बना भी लें तो भी पृथ्वी की स्थिति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना विशाल है कि एक रॉकेट का बल उसके मुकाबले नगण्य होता है। ये ऐसा ही है जैसे एक चींटी एक विशाल पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो।
रॉकेट का बल पृथ्वी के द्रव्यमान के सामने बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऐसा होगा जैसे किसी पहाड़ को एक धक्के से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक असंभव कार्य है, क्योंकि पहाड़ का द्रव्यमान और स्थिरता इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति का बल उसके सामने नगण्य होता है। इसी प्रकार पृथ्वी को हिलाने के लिए रॉकेट का बल भी अपर्याप्त होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ग्रह की स्थिरता और विशालता कितनी अद्वितीय है। भाग 5, गुरुत्वाकर्षण, अदृश्य लंगर। एक और बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण, एक अदृश्य बल जो हर चीज को एक दूसरे की ओर खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही हमें जमीन से जुड़े रखता है और चीजों को जमीन पर गिराता है। हमारे तारे, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कहीं ज्यादा मजबूत है। यही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में रखता है। पृथ्वी को अपनी कक्षा से बाहर निकालने के लिए हमें सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल पर काबू पाना होगा, जो लगभग नामुमकिन है। भाग 6, क्षुद्र ग्रह, एक ब्रह्मांडीय खतरा। कुछ वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रहों, अंतरिक्ष में मौजूद विशाल चट्टानों का इस्तेमाल करके पृथ्वी को थोड़ा सा हिलाने के बारे में सोचा है। मतलब किसी क्षुद्र ग्रह के रास्ते को ध्यान से बदलना ताकि उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को पास से गुजरते समय खींचे। लेकिन ये तरीका सिर्फ कल्पना है और इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। जरा सी भी गलती उस क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टकराने के लिए भेज सकती है, जिससे भयानक नतीजे हो सकते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी नाजुक फूलदान को बॉलिंग बॉल से हिलाने की कोशिश करो, तबाही की पूरी संभावना है। भाग 7, समय और अंतरिक्ष, सबसे बड़ी बाधाएं। अगर हम काफी बल जुटा भी लें तो अंतरिक्ष का विशाल आकार एक और बाधा है। पृथ्वी को थोड़ी सी भी दूरी तय करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, जो अभी हमारी क्षमता से बहुत दूर है। और फिर समय की भी बात है, अगर हम पृथ्वी की स्थिति में जरा सा भी बदलाव ला पाएं तो भी हमारी पृथ्वी की कक्षा में कोई बड़ा बदलाव देखने में बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। हम ऐसे समय की बात कर रहे हैं जिसे समझ पाना इंसानों के लिए मुश्किल है। भाग 8, ब्रह्मांड की खोज, एक एक कदम करके। 10 मिनट में या कई जिंदगियों में भी पृथ्वी को हिलाना अभी भी साइंस फिक्शन की दुनिया में ही है। लेकिन यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं को चुनौती दें और उन संभावनाओं के बारे में सोचें जो आज असंभव लगती हैं। लेकिन ऐसे ज्ञान की खोज बेकार नहीं है, यह हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें नई तकनीकों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी खोजें हमें यह सिखाती हैं कि हर छोटी खोज भी महत्वपूर्ण है। हर नई जानकारी हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब ले जाती है। ग्रहों को हिलाने पर ध्यान देने के बजाय हमें अपनी पृथ्वी को समझने और उसकी रक्षा करने पर ध्यान देना चाहिए। हमारी पृथ्वी ही हमारा घर है और इसे सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हमें एक स्थायी भविष्य की ओर ले जा सकता है। हम दूसरे ग्रहों पर यान भेजकर उनकी सतह का अध्ययन करके और वहां की परिस्थितियों को समझकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स और अन्य अंतरिक्ष यान हमें यह सिखाते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितनी विविधता है और वहां कितने रहस्य छिपे हुए हैं। दूर के तारों का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी विविधता है। खगोलविदों की मेहनत और उनकी खोजें हमें यह सिखाती हैं कि हर तारा, हर ग्रह और हर आकाशगंगा का अपना एक अनोखा इतिहास है और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाकर ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं, एक एक कदम करके। हर नई खोज, हर नया कदम हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अद्भुत है। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती और हर कदम हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड की खोज एक अंतहीन यात्रा है और हम सभी इसके यात्री हैं। भाग 9, हमारा घर, हमारी जिम्मेदारी। अभी के लिए हमारी पृथ्वी अपने सारे अजूबों और चुनौतियों के साथ हमारा एकमात्र घर है। चलिए इसकी सुंदरता की कद्र करें, इसके नाजुक पर्यावरण की रक्षा करें और इसके कई रहस्यों को खोजते रहें। शायद किसी दिन दूर भविष्य में हमारे वंशजों के पास ऐसे बड़े कारनामे करने का ज्ञान और तकनीक होगी, लेकिन अभी के लिए चलिए अपने घर को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने पर ध्यान दें।